श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी श्री रघुवंश सिंह द्वारा क्षेत्र के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश किया गया है। उक्त आदेश के पालन में एसडीओपी पिछौर श्री प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में खनिया थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पनिहारा तिराहे पर एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। खनिया थाना प्रभारी श्री रत्नेश यादव ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उक्त व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा और पूछताछ की। बता दें, संदिग्ध व्यक्ति ने अपना नाम अरविंद रजक पुत्र पप्पू रजक निवासी थाना मायापुर बताया। जब उक्त व्यक्ति के सामने की सामान की तलाशी ली गई तो सामान में सोने चांदी के गहने बड़ी मात्रा में मिले। आपको बता दें, गहनों के बारे में पूछने पर उक्त व्यक्ति कोई सही जवाब नहीं दे पाया। खनिया थाना पुलिस द्वारा थाना लाकर उक्त व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ की गई, तब उक्त व्यक्ति ने चोरी करना कबूल किया। उक्त व्यक्ति से प्राप्त गहनों का बाजार मूल्य लगभग 7 लाख रुपए आका गया है। जुलाई में मामला पंजीबद्ध हुआ था और ये माल लगभग 7 लाख रुपए का पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी तक पहुंचने हैं पुलिस को क्या सूत्र मिले, कैसे चोर तक पहुंच पाई? जो फरियादी था उसने ये बताया था कि उसका ही कोई रिश्तेदार संभवतः चोरी में शामिल हो सकता है। तो फरियादी की सूचना पर और पुलिस ने जो मुखबिर तंत्र मामूल किया था उसकी जो सूचना थी, तो उसकी सूचना के आधार पर हमने इस व्यक्ति को पकड़ा। तो इससे पूछताछ की तो उसने ये सारा माल चोरी कबूल करना बताया। कितने के लगभग की कितने की चोरी थी और कितना समय इस चोरी को हो गया? ये लगभग 3 माह पुरानी चोरी है और 7 लाख रुपए की चोरी फरियादी द्वारा बताई गई थी, जिसमें सोने चांदी के जेवरात गए हुए थे और इसमें पुलिस ने लगभग 100% मशरूम का बरामद कर दिया। और किसी पे इस पे आरोपी है और कोई इसके अलावा बताया जा रहा है कोई और कोई रिश्तेदार? हाँ, हमने इसका पता किया है तो इसने अकेले ही चोरी करना कबूल किया है और इस पर भी शिवपुरी जिले में मुख्यालय पर 2-3 थानों में चोरी के ही मामले पंजीकृत हैं। थैंक यू।